तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका प्लांट दोनों सेहतमंद होगा। शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पे आप हमें प्लांट का ऑर्डर दे सकते हैं, एनपीके का ऑर्डर दे सकते हैं, प्लांट मेडिसिन का ऑर्डर दे सकते हैं, प्लांट टूल का ऑर्डर दे सकते हैं और अपने प्लांट की कोई भी दिक्कत हो तो उसका भी आप व्हाट्सएप करके हमें हमसे सलूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल। देखिए, मैंने कुछ गुलाब के पौधे बहुत आज 5 महीना 6 महीना पहले लगाए थे। ये देखिए, ये ग्राफ्टेड है। ये देखिए, कुछ पौधे मेरी बहुत अवस्था ख़राब है। ये देखिए मेरे पत्ते भी सब पीले पड़ने लग गए। ये देखिए अभी मेरे ये गुलाब के गाछ कुछ ठीक हो रही है। राजू जी ने मुझे बहुत गाइडलाइंस दिया, मैंने राजू जी का गाइडलाइंस फॉलो किया तो देखिए कुछ गाछ मेरे अभी ठीक हो रहे हैं, ठीक होने के कगार में हैं। ये देखिए कुछ कुछ कलियां भी आ गई हैं। ये देखिए कुछ सकर्स भी निकल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे ग्रीन नेट नहीं है तो मैंने इनको, राजू जी ने बोला था कि मुझे सब छाए पे रख देने के लिए, मैं इसमें डेली मैंगोज़ेब एक हफ्ते में M45 यूज़ कर रहा हूँ, फिर 12100 भी यूज़ कर रहा हूँ, 1919 भी यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ मैं मेरिनो गोल्ड, उसके साथ मैं जैसे हर दिन एक एक दिन छोड़ के मेरिनो गोल्ड 3 दिन में दे रहा हूँ। देखिए फिर उसके बाद वो जड़ के लिए होती है, फिर मैं सुपर सोनाटा भी यूज़ कर रहा हूँ। देखिए कुछ कुछ फूल आए हैं, कुछ कलियाँ निकल रही हैं, देन फिर भी पत्ते पीले हो रहे हैं। ये देखिए ये सारे मेरे प्लांट्स हैं, सब में मैंने सेम चीज़ यूज़ की है। ये मेरा गाछ एकदम हालत ख़राब थी तो राजू जी के कहने पे मैंने उनका एडवाइस फॉलो किया और देखिए ये गाछ मेरे हरे भरे होने लग गए। हमारे यहाँ पे गर्मी अभी बहुत पड़ रही है, हमने ग्रीन नेट का यूज़ नहीं किया है फिर भी मैं इनको ऐसे रख रहा हूँ। ये देखिए मेरे काफ़ी प्लांट्स हेल्दी हो रहे हैं, कुछ प्लांट्स की हालत ख़राब है जो पानी की वजह से है तो ये इसका मुझे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ रहा है। ये देखिए ये मेरे हिबिस्कस के प्लांट्स हैं, ये देखिए मेरे मनी प्लांट्स हैं, ये सारे हिबिस्कस के हैं, ये मेरे अमरूद के पेड़ हैं, इसमें एक भी फल उल नहीं आ रहा था लेकिन राजू जी के कहने पे फल उल भी आने लग गए। ये देखिए ये मेरा मौसम्बी का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, पानी के वजह से कुछ पत्ते ये हो गए हैं, मुरझा गए हैं। ये देखिए मैंने काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट्स भी लगाया है मैंने। ये देखिए ये मेरे कली, इस गाछ में कभी भी एक भी फूल नहीं आ रहे थे, लेकिन 12100 और 1919 और सुपर सोनाटा के माध्यम से देखिए मेरे इस पर कली भी आने लग गई और पौधा भी काफ़ी हेल्दी हो गया है। ये देखिए यही सेम चीज़ है, इसके इसमें भी काफ़ी सारी कली आने लग गई, 12100 सुपर सोनाटा और M45 मैंगोज़ेब यूज़ करने से मेरे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ठीक हो गई। ये देखिए ये मेरे गुलाब के हैं, ये देखिए ये सारे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी होते जा रहे हैं। ये देखिए आम का पेड़ है, ये है, मैंने सब राजू जी के एडवाइस से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। ये देखिए ये 12 महीना का चीकू का पेड़ है जिसमें हर समय फल लगते रहता है, इसकी फल गिर जाती थी, अभी 12100 और सब यूज़ करने से देखिए फल काफ़ी बड़े और अच्छे घने हो गए हैं, पेड़ भी काफ़ी घना हो गया। ये मेरा एक अमरूद का पेड़ है, ये देखिए इस ये डाल मेरा एकदम सूख गया था। जामुड़ा का पेड़ है, इसमें भी 12100 और वही जो बताए मैं वैसा यूज़ कर रहा हूँ तो देखिए काफ़ी ब्रांचेस भी आने लग गई। ये देखिए मैं करीब से दिखा रहा हूँ, ये देखिए नए नए ब्रांचेस आने लग गए, नए नए पत्ते आने लग गए। ये देखिए इसमें भी यही कली नहीं आ रही थी, अब देखिए धीरे धीरे कली भी आने लग गई, पौधा भी हरा भरा हो गया है। ये कुछ
पत्ते इसलिए सूख गए क्योंकि मैंने इनमें पानी नहीं दी, आज गर्मी बहुत थी उसके कारण। अब पानी दूंगा, पानी देने से सारे गाछ हरे भरे हो जाएंगे फिर से। और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें भी फूल के साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं। सुबह मेरी माँ तोड़ती है मंदिर के लिए, ये देखिए ये कली आ रही है। राजू जी के एडवाइस ने मुझे बहुत हेल्प किया, मैं इनके काफ़ी वीडियोस को फॉलो कर रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा गुड़दल का है, देखिए कितनी कलियाँ आई हुई हैं। बस इसमें एक है, इसमें थोड़ी मिली बग लग गई है, जिसके लिए राजू जी ने मुझे एडवाइस किया और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो काफ़ी कम हो गई है, अभी तो एक दो है, इसलिए मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने हिबिस्कस और मेरा रोज प्लांट बहुत लगाया है मैंने। ये देखिए ये मेरा बैंगलोर से लाया हुआ आज कम से कम 3 साल पुराना प्लांट है। देखिए पत्ते कितने हरे भरे हो गए हैं और काफ़ी नई नई डालियाँ आ रही है। 12100 का कमाल है, सुपर सोनाटा का कमाल है और 1919 का कमाल है। ये देखिए ये भी, इस गाछ में काफ़ी फंगस लग गई थी, मैंने मैंगोजेब M45 का यूज़ किया। तो देखिए अब धीरे धीरे कलियाँ आ रही है, जिसको के कारण गाछ भी थोड़ा हरा भरा होने लग गया। ये देखिए ये आपके सामने है रिजल्ट, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये मैं दिखाऊंगा कि मैंने कितने खर्चे किए हैं, मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए अभी पीली पत्ती इसलिए हो गई कि राजू जी ने मेरे को बोला कि जो मिट्टी की पोषक तत्व है उसमें कुछ कमी है। तो राजू जी आप मुझे और गाइडलाइंस दें कि मैं और क्या करूं कि मेरे और गाछ घने घने बने हो जाए और इनकी रूपरेखा और चेंज हो जाए। तो आशा करता हूं कि आपसे ज़रूर आप मुझे गाइड करेंगे और आपके गाइड ने मुझे काफ़ी हेल्प भी किया है। ये देखिए नए नए कलियाँ आ रही हैं, पत्ते एकदम हरे हरे हो गए हैं। ये देखिए पत्तों का साइज देखिए आप, ये सारा कमाल है सुपर सोनाटा M45 1919 और 12100 का। ये देखिए कितनी कलियां आ रही है, पहले एक भी कलियां नहीं थी, ये देखिए सब कलियां आने लग गई। ये देखिए आम के पेड़ों में भी नए नए कलियां आने लग गई। इसमें पूरा मिलीबग का इन्फेस्टेशन था, तो राजू जी ने मुझे गाइडलाइंस दिया और काफ़ी कम हो गई है और गाछ अब हरे भरे होते जा रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। ये देखिए चीकू का प्लांट था जिसमें एक भी डालियां नहीं आ रही थी, अब देखिए ये करने से सारी डालियां आने लग गई। ये देखिए ये मेरा आम का पेड़ जिसमें उम्मीद नहीं थी कि आम लगेगा, देखिए राजू जी के मदद से देखिए फूल और डालियां सब आने लग गई, कुछ फूल झड़ रहे हैं जिस। तो अब राजू जी बताएं कि मुझे और क्या करें आगे ताकि ये फूल ना झड़े और इनका मैं फल मिल सके, हमें ज़रूर गाइडलाइंस दीजिएगा। आशा है आपकी गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी और मिलती रहती है हर वक्त, जब भी दरकार होता है तो आप हमेशा खड़े रहते हैं, आप हमेशा हम लोग को, मेरे को तो कम से कम गाइडलाइंस दे रहे हैं, क्योंकि मैं जो गलती कर रहा था उस गलती की आपने मेरे को बताई कि मुझे क्या क्या करना है। देखिए मेरी गलती की भरपाई कैसे, मुझे क्या क्या खामी जब मैं भुगतना पड़ा, मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस वीडियो में। मुझे 2 मिनट दें समय। ये देखिए ये मेरा आम का, ये देखिए मैंने सब्जी की कुछ लगाई है भिंडी की, तो ये सब होते जा रहे हैं। ये सारा कमाल है राजू जी का, राजू जी के गाइडलाइन से ही हो रही है ये। ये देखिए मेरा अंगूर का पेड़ काफ़ी बड़ा तना हो गया है। ये देखिए हमारा गिलोय का प्लांट भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। ये सब राजू जी की कमाल है, राजू जी की गाइडलाइन से हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजू जी को प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके ज्ञान को प्रमोट कर रहा हूँ कि उनके ज्ञान के कारण देखिए ये छोटी से गुड़दल की प्लांट में देखिए फ्लावर आ गई है, कलियाँ भी आ गई है। तो ये राइव ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई भी इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं किया, जो हकीकत है। ये देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट भी काफ़ी हरा भरा होते जा रहा है। ये प्लांट है क्या, मैंने पानी उनी नहीं दिया इसके कारण मेरे प्लांट पौधे सूख रहे हैं। ये देखिए उनके गाइडलाइन से मैंने सब कुछ छाए में रख दिया। अब देखिए आते ही है दुआई की बात है। ये देखिए मैं ये HPM का मैंगोजेब यूज़ कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी आज मेरा घर काफ़ी ठीक हुआ है। ये देखिए मैं स्प्रेयर भी रखता हूँ और भी मेरे रखे हुए हैं सारे कार्टून्स में।
ये देखिए, ये मेरे काफ़ी सारे खाद उद मैंने मंगाए हैं बाहर से, अलग अलग मैंने बहुत खर्चा किया, लेकिन मुझे लगा कि ये खर्चा करना बेकार हुआ। हाँ, ये देखिए, मैं बायो स्टीम, बायो प्रोडक्ट आती है बायोफिट की, मैं ये भी यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे इसका भी रिज़ल्ट मिला। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगा रिज़ल्ट नहीं मिला, हाँ, लेकिन जो राजू जी ने बताया उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत जल्दी मिला। ये देखिए, हमारे ये वाले प्लांट तो एकदम ख़त्म हो गया, इसकी मुझे खामियाँ चाहिए, कुछ ठीक हो रही है, जिनको मैं बचा सका मैं बचा पाया, और जिनको नहीं बचा पाया नहीं बचाया। ये मेरा एक दोस्त, मेरा यार बोलो, ये मेरा बहुत हेल्प करता है मेरे प्लांटेशन में। देखिए, ग्लोई का प्लांट दिखाता हूँ, देखिए जो तेज़ी से बढ़ रहा है, सब इसी ने किया है। ये हमारे बैक साइड में लगा हुआ है, मैं जाऊँगा उसको भी आपको दिखाऊँगा कि हमारा प्लांट्स कैसे बढ़ते जा रहा है और कैसे क्या ठीक हुआ। ये देखिए, ये गुलाब के गाछ मैंने माटी के इसमें लगाया तो जा करके अभी कुछ ठीक हुआ। यही मेरा पूरा बगीचा है जिसमें मैं दिन रात मेहनत करते रहता हूँ और कुछ कुछ करते रहता हूँ। तो आशा है आप राजू जी मुझे गाइडलाइंस करें कि ये गाछ को कैसे ठीक किया जाए। ये देखिए, हमारा गिलोई का अब हम और भी लगा रहे हैं जिससे इम्यूनिटी की बूस्ट होती है। तो ये काफ़ी, ये है, ये पूरा मेरा बगीचा है, टेरेस गार्डनिंग है। तो राजू जी, आप अपना प्लीज़ मुझे गाइडलाइंस दें कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गुलाब के पत्ते जैसे देखिए ये पीली हो रही है, ये देखिए ये पीली पड़ते जा रही है। तो मुझे क्या माटी चेंज करना चाहिए या अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कोई का भी फूल अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे फूल तोड़ देता हूँ जैसे जैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए मेरे राजू जी के कहने पे देखे नए पत्ते नई कलियाँ आ रही हैं। ये देखिए मेरे पूरे प्लांट्स में फंगस लग गई थी, अच्छे खासे फंगस लग गई थी, पर राजू जी ने मुझे गाइडलाइंस दिया तो देखिए मेरे काफ़ी, ये देखिए, ये मेरा पत्ता पूरा सिकुड़ गया था, मेरा फूल भी काफ़ी छोटे हैं जो आप देख पा रहे हैं इस पौधे में, कम से कम अभी आ रहे हैं और भी। तो इनके गाइडलाइंस से देखिए काफ़ी बेनिफिट हुई है। ये देखिए काफ़ी नए आ रहे हैं कलियाँ, अभी भी इनमें हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो राजू जी ही मुझे गाइडलाइंस दे सकेंगे कि मुझे क्या करना है और इनको कैसे मैं ठीक कर पाऊँ। ये देखिए, छोटा सा प्लांट में देखिए नींबू लगा है, काफ़ी फल, देखिए हरे भरे फल, एकदम क्या बोले। अभी ये देखिए हमारा गुलाब का पौधा, ये देखिए गुलाब का पौधा, देखिए छोटे से प्लांट में फूल आ गई। ये देखिए, ये सब पुराने प्लांट्स हैं, ये देखिए इसमें भी थोड़े से कीड़े उड़े लग गए हैं। तो राजू जी, आप अपना वैल्यूबल फीडबैक दें कि हम क्या करें ताकि से हम और ठीक कर पाएँ, और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिली है ये बात पक्का है। ये देखिए, मैंने ग्राफ्टिंग खुद किया, जिस ग्राफ्टिंग का रिज़ल्ट आने लग गया। अभी मैंने एक आपको दिखाया था कि मैंने एक प्लांट को ग्राफ्ट किया है, तो आशा है कि देखिए ये ग्राफ्ट सक्सेस हो जाए। ये मेरी हाथ की हुई है, ये देखिए, तो आशा है कि ये पूरा हो जाए। बस ठीक है, बहुत अच्छा, राजू जी के कारण कुछ बढ़िया हो रहा है, और भी कुछ हो तो बताइए ताकि हम इसे और जल्दी जल्दी ठीक कर पाएँ। धन्यवाद।